नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। झांसी में कोरोना जैसी महामारी में अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। मरीजों को उपचार ठीक ढंग से न मिलने पर लगातार स्वास्थ्य विभाग पर आरोप प्रत्यारोप लग रही है। वहीं वेंटिलेटर की किल्लत बताकर मेडिकल जिला अस्पताल से मरीजों को भगाया जा रहा है, जो तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। वहीं ऐसी स्थिति में झांसी मीडिया क्लब ने वेंटिलेटर चालू कराने के लिए बीड़ा उठाया और आज झांसी मीडिया क्लब के तत्वाधान में सभी पत्रकार जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए। झांसी मीडिया क्लब के तत्वाधान में अध्यक्ष मुकेश वर्मा व वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान आप्ती, पत्रकार रानू साहू, इमरान खान, तौसीफ कुरैशी, मोहम्मद कलाम, परमेंद्र सिंह, मनीष अली सहित कई पत्रकार धरने पर बैठे और उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द जिला अस्पताल में धूल खा रहे वेंटिलेटर अगर चालू नहीं किए गए तो उनका यह धरना आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। मालूम हो कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को वेंटिलेटर न होने पर वार्ड से भगाया जा रहा है, जिससे कई मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो चुकी है। इधर जिला अस्पताल में वेंटिलेटर धूल खाने की शिकायत जिला प्रशासन से गत दिवस झांसी मीडिया क्लब ने भी की थी। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने वेंटिलेटर चालू नहीं की। जिला अस्पताल और जिला प्रशासन के इस झुलमुल रवैये से नाराज झांसी मीडिया क्लब ने धरना दिया। धरने में बैठे पत्रकारों ने कहा कि जब तक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर चालू नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। जिले में कोरोना जैसी महामारी से आए दिन सैकड़ों लोग ग्रसित हो रहे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लचीला रवैया है उसका, केवल उनकी योजनाएं कागजों में और मीडिया में ही हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। आज आप देखते हैं झांसी में प्रतिदिन वेंटिलेटर के लिए हजारों लोग परेशान होते हैं, कॉल आती है, फ़ोन आते हैं, बेचारे जो हेल्पलाइन है उन पर ही फ़ोन करते हैं, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमको जानकारी मिली, आज हम जिला अस्पताल आए, जिला अस्पताल में हमने देखा दर्जनों वेंटिलेटर नए, पॉलीथीन चढ़ी हुई है, जिस पर धूल चढ़ी हुई है, वो अभी तक निकाले नहीं गए हैं। आज हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि उन वेंटिलेटरों को आज चालू किया जाए। अगर जब तक चालू नहीं होंगे वेंटिलेटर, हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। क्या मांगे हैं आपकी और क्या आप चाहते हैं? हमारी मांगे ये हैं कि जिला अस्पताल के अंदर जो वेंटिलेटर बंद पड़े हुए हैं, धूल पाक रहे हैं दर्जनों की संख्या में, उनको तत्काल प्रभाव से चालू कराया जाए जनहित में, क्योंकि इस समय जो महामारी चल रही है उसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की अति आवश्यकता है। जिला अस्पताल के अंदर जो ये वेंटिलेटर हैं बंद पड़े हुए, इनको तत्काल प्रभाव से चालू कराया जाए जनहित में। अगर ये चालू नहीं होते हैं तो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा, अगर क्योंकि इनका चालू होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इस ओर ना तो जिला प्रशासन देख रहा है, ना ही जिला अस्पताल देख रहा है। जिला अस्पताल एक बहाना बनाता है कि हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो संविदा कर्मचारी सीखे हुए उनको रखा जाए, उनको वेतन दिया जाए, वो ऑपरेट करें और इनको जिला अस्पताल में ही चालू कराया जाए।